पुस्तक धारिणी हंस वाहिनी अंब आन विराजो कंठ में माते दो अभिलम्ब। बस कोई ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए परम पूजनीय के चरणों में, क्योंकि हमेशा मेरे नाम लेने की वैसे तो हैसियत थी, क्योंकि हमेशा उनको चाचा कहा और उनका स्नेह बेटा कहकर हमें मिलता रहा। बस कहना अरे स्वर्ग के वासी हो गए, अरे स्वर्ग के वासी हो गए हीरा बुंदेली के हो गए। लोकगीत को मतलब का है कि जो क्षेत्रीय संस्करण गीतर में ढाल के गाद हो जाए वो है लोकगीत। अब बार बार सब बुजुर्ग कलाकार से चर्चा भी जयी करी वो बे गीत गाय परम पूजने पटरिया जी ने, चाचा जी ने, उन्हें गीतन के माध्यम से आप सबके दिल तक जो रास्ता बनाओ, जो घर बनाओ, वो दूर दूर तक बुंदेली भाषा का पहुंचाओ। क्या होगा लोकगीत के लोकगीत से हरी ब्रीज बुंदेली हो गए, आहा बीज बुंदेली हो गए हीरा बुंदेली के खो गए हीरा बुंदेली के खो गए। कलाकार देखे मिलत चौना कहूं माटी को उपयोग अपने लाने करत, लेकिन पटेरिया जी ने
के लाने करो, ये माटी के उन्नति के लाने करो, ये भाषा के उन्नति के लाने करो। बेली की अलख जगा के स्वयं सदा खास हो गए, स्वयं सदा खास हो गए हीरा बेली के खो गए, हीरा बेली के खो गए। कैसे कि उनके बारे में ज्यादा बोल भी कि हमारी हैसियत वहां है, जिनने जिनने उंगली पकड़ के हमें सिखाओ हो संगीत को, काका का जिनने हमें सिखाओ, उनके बारे में हम ज्यादा का बोल सकते। और बोले तो सूर्यखा दीपक दिखावे जैसी बात नहीं, सूर्यखा जुगनू दिखावे जैसी बात ही है। इसे बस अंतिम पंक्तियों में के मौका वैसे उनको नाम लेने की हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी बस गीत की पंक्तियों में लिखोगा इसे कह रहे देश राज आवाज आपकी चाचा जी, आवाज आपकी चाचा जी, आवाज के बल पे, आवाज के बल पे, आवाज के बल पे चाचा जी, आवाज के बल पे बीज बूंदे भी बो गए, हाँ बीज बूंदे भी बो गए हीरा बंदेली के खो गए, हीरा बंदेली के खो गए, स्वर्ग के वासी हो